नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिकल लैंग्वेज चैनल में स्वागत है। जैसा कि डियर हम लोग बात कर रहे थे पैराग्राफ टैग का यूज करके, हमने पैराग्राफ को बनाना सीख लिया, सारे अलाइनमेंट का यूज हमने सीख लिया। आज डियर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अपने एलिमेंट को, अपने कंटेंट को हम लोग कैसे टेबल फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा टेबल फॉर्मेट का यूज करते हुए, यानी टेबल टैग का यूज यहाँ पे करते हुए हम लोग टेबल को कैसे ड्रा करते हैं। आइए बात करते हैं, बहुत आसान है। नोटपैड ओपन करते हैं और टेबल के लिए यहाँ पे कोडिंग को ड्रा करते हैं, और टेबल की कोडिंग करना बहुत ही आसान है डियर, और इसको हम लोग अपने शब्दों में देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता होगा तुरंत हमने HTML टैग यहाँ पे ओपन कर लिया। कौन सा टैग हमने ओपन कर लिया? HTML नाम का यहाँ पे टैग आपका ओपन हो गया। HTML टैग ओपन करने के बाद तुरंत हमने क्या किया, यहाँ पे आपको पता होगा डियर क्या होगा, यहाँ पे हमको सबसे पहले HTML के बाद अगर कोई हेडिंग वगैरह देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, बॉडी टैग ओपन कर लिया। क्या कर लिया डियर, यहाँ पे बॉडी टैग ओपन कर लिया। अब हमको टेबल ड्रा करना है तो एक टैग हमारे पास क्या होगा, टेबल टैग होगा। क्या होगा डियर, टेबल टैग होगा। हमने यहाँ पे टेबल टैग को ड्रा कर लिया। अब टेबल के अंदर हमें क्या डिफाइन करना है, TR। तो सबसे पहले हम TR डिफाइन कर लें, सबसे पहले हम TR यहाँ पे डिफाइन कर लें, ठीक है। टेबल रो के लिए हमने यहाँ पे TR टैग ओपन कर लिया। अब TH का मतलब क्या होता है, टेबल सेल को ये डिफाइन करता है। हमने यहाँ पे TH क्या रख दिया, यहाँ पे टैग का डिफाइन कर लिया TH में हमको रखना क्या है, सपोज दैट पहले सेल में हमको क्या रखना है, मंथ रखना है, तो यहाँ पे हम मंथ रख देंगे, ठीक है। पहले में क्या रखना है, हमको मंथ रखना है, हमने यहाँ पे मंथ टाइप कर दिया। चलो भाई, हमने यहाँ पे मंथ रख दिया, ठीक है। TH को उसी लाइन में क्या करोगे, बंद कर दोगे, बिल्कुल आप TH को क्लोज कर दो। चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब क्या करना है, TH के बाद फिर हमको यहाँ पे TH डिफाइन करना है। अब क्या रखना है TH में, आपको पता ही होगा क्या रखना है, कुछ भी रख सकते हो TH में, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर दें, TH टाइप कर लिए, ओके। TH टाइप मारा हुआ, मंथ के बाद हमको क्या यहाँ पे डिफाइन करना है, मंथ के बाद हमको यहाँ पे सपोज दैट ईयर डिफाइन करना है ना, मंथ के बाद हमको क्या डिफाइन करना है, ईयर डिफाइन करना है। हमने यहाँ पे ईयर को डिफाइन कर लिया ना, हमने यहाँ पे ईयर को डिफाइन कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे ईयर डिफाइन कर लिया और TH को यहीं पे क्लोज कर दिया। चलो ठीक है, और भी कुछ डिफाइन करना है, बिल्कुल आप डिफाइन कर सकते हो। मंथ हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, हमने यहाँ पे मंथ को डिफाइन कर लिया, ठीक है। चलिए, तो हाँ, यहाँ पे मैंने दो चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर लिया। आप क्या करेंगे, आपको पता ही होगा TR हमारा ओपन है, अब हम यहाँ पे TR को बंद कर देंगे, TR हमारा क्लोज हो गया। और भी हमको ऐसे बढ़ाना है, तुरंत हम यहाँ पे क्या करेंगे, TR फिर से ओपन करेंगे। कौन सा टैग लगाएंगे, TR टैग लगाएंगे, और इसके अंदर TR टैग के अंदर हमको क्या रखना है, फिर से वही TD डिफाइन करना है, ठीक है। अब क्या डिफाइन करना है, TD डिफाइन करना है भाई, ठीक है। TD का मतलब हमने आपको बताया था, यहाँ पे मंथ आपका चलेगा, तो हम यहाँ पे TD में क्या रखेंगे, मंथ रखें। मंथ का मतलब क्या होता है, TD, ओके। अब TD में हमको क्या रखना है, TD में हमको क्या रखना है, पहला मंथ क्या होता है डियर, क्या होता है पहला मंथ आपका, ठीक है, जनवरी होता है। हमने यहाँ पे जनवरी लिख दिया, बिल्कुल यहाँ पे हमने जनवरी डिफाइन कर लिया, हमने यहाँ पे जनवरी डिफाइन कर लिया। चलो, यहाँ पे जनवरी डिफाइन हो गया, ठीक है। TD को हमने यहीं पे बंद कर दिया। चलिए, अब क्या था डियर, आपको पता ही होगा मंथ के बाद क्या था, ईयर था, हमने यहाँ पे ईयर को डिफाइन कर लिया TD में ना। ईयर मान लीजिए जनवरी 2010, ओके। चलो, अब क्या करेंगे, बंद कर दो, किसको, TD को, हमने TD को बंद कर दिया, ठीक है। और डिफाइन करना है, बिल्कुल आप डिफाइन कर सकते हो। फिर हमने TD ओपन कर लिया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे TD ओपन कर लिया, ओके। तो इस तरीके से TR ओपन है, हमने यहाँ पे TR को बंद कर दिया, ठीक है।
टी आर हमारे यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर हमने टी आर ओपन कर लिया, फिर हमने यहाँ पे टी आर ओपन कर लिया, टी आर हमारा ओपन हुआ। अब क्या करेंगे, फिर से टी डी डिफाइन कर लें। अब टी डी में हमको क्या रखना है, ठीक है, जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी हमने लिख दिया, फरवरी हमने लिख दिया, चलिए फरवरी हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, टी डी को बंद कर दें, टी डी क्लोज हो गया ना, यहाँ पे फिर टी एस ओपन कर लें, टी डी ओपन कर लें। अब इसमें क्या रखेंगे, 2012 कर दें, कुछ भी रख दें, ईयर हमारा क्या हो जाए 2012 हो जाए, फिर आपका टी डी बंद हो गया, ओके। चलिए अब आपका टी आर ओपन है, टी आर बंद कर दो, टी आर बंद हो गया, टेबल आपका ओपन है, टेबल बंद कर दो, बस जितना टैग ओपन है उसको क्लोज कर दो, ठीक है। बॉडी ओपन है, बॉडी बंद कर दो, ओके। चलिए एचटीएमएल ओपन है, एचटीएमएल बंद कर दो, एचटीएमएल हमने बंद कर दिया। तुरंत सेव कर लेते हैं अपने फाइल को, फाइल में जाते हैं, सेव एज में जाते हैं, डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं, फाइल का नेम कुछ भी हमने दे दिया, ASP.html, सेव हो गई फाइल, रन करा के देख लेते हैं। देखिए ASP.html आपकी फाइल आ गई, ये देखिए आपका टेबल फॉर्मेट मंथ ईयर था, हमने मंथ ईयर दे दिया, मंथ में पहला जनवरी, ईयर 2010, फरवरी 2012। इस तरीके से आप कैसा भी फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट को आप बना सकते हो, देखिए जैसा कि आपके सामने है, ओके। चलिए इस तरीके से आज हमने टेबल को भी ड्रा कर लिया।